वेरी वेलकम टू यू ऑन दिस सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म यूपीएससी प्लेटफॉर्म, जहां आज हम लोग एक नई शुरुआत करने वाले हैं। आप सभी लोग ये दिख रहा होगा कि अभी अपना जो थंबनेल है वो पेंटिंग्स के ऊपर है। दरअसल क्या है कि मैंने एक नई शुरुआत करी है जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो ये है कि करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स लिए जाएँ जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाने की गुंजाइश होती है। राइट गाइज, सो अभी हमने एक छोटा सा प्रयास ये किया है कि जो भी पूरे दो साल के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन रिलेशन टू द पेंटिंग्स, जिसके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अगर है, तो हमने उन टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करने का कोशिश किया है। तो अभी हम आर्ट एंड कल्चर को अभी हम पिक कर रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में जो भी इशूज़ हैं उन सभी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे, क्योंकि आपको शायद ये मालूम होगा कि आर्ट एंड कल्चर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो कई डिफरेंट डायमेंशंस में, एस्पेक्ट्स में हमें बात करना है। इसमें से पेंटिंग भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पेंटिंग आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा पर्पस यहाँ होगा इस इन सेशंस के दौरान कि मैं आपको कहूँगा एक थोड़ा सा ब्रीफ जो पेंटिंग्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ, ठीक है, जो स्टार्टिंग पोर्शन होगा। एंड देन जो भी कंटेम्प्रेरी यानी कि करंट अफेयर्स में जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं पेंटिंग्स को लेकर के, उसके बारे में आपसे डिस्कस किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रोग्राम होगा ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं उन सभी के लिए, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो या आप स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन दे रहे हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको लाभ निश्चित तौर पर मिलने वाला है। तो गाइज, मैं चाहूँगा एक बार प्लीज सेशन को पहले लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। एक बार मैं सभी के कमेंट को देख लूँ, फिर हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्योंकि इस क्लास का एक उद्देश्य है, वो ये है कि आपके एग्जामिनेशन में आपकी सफलता को सुनिश्चित करवाया जा सके। तो हाई शीतल, हाई नैन्सी, हाई टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाकी लोग अभी तक दिख नहीं रहे हैं, तो सभी लोग एक बार कनेक्ट हो जाएं, फिर हम लोग अपनी क्लास को शुरू करें। क्योंकि शुरू से अगर क्लास में अगर होते हैं तो आपको पूरी लास्ट तक क्लास समझ में आती है, मतलब एक सीक्वेंस बना रहता है, एक सीक्वेंस मेंटेन रहता है। तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम शुरू से ही क्लास को ज्वाइन करें। तो एक 15-20 सेकेंड या आधे मिनट का हम लोग जो है थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा वेटिंग टाइम रख लेते हैं, बाकी लोग आ रहे होंगे। ठीक है, हाई मिस्टी, हाई, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो आप लोग कनेक्ट होते चले जाइए एक बार, और जैसे लोग आप आ जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं, वैसे ही मुझे आप एक बार आप प्लीज़ अपनी सूचना भी दे जाए कि हाँ हम हैं, यानी कि अटेंडेंस होना ज़रूरी है कि हाँ हम उपलब्ध हो चुके हैं, फिर हम लोग अपनी क्लास को आगे प्रोसीड करेंगे। राइट गाइज, सो चलिए थोड़ा सा वेट कर लें, बाकी देखिए कौन कौन लोग आ चुके हैं अभी तक। अभी तक भी कम लोग आए हैं। अच्छा, मैं पहले आ गया हूँ, आप लोग आराम आराम से आएंगे। एक्चुअली हमारे स्टूडेंट्स हमारे VIPs हैं, तो सो गेस्ट ऑफ ऑनर्स तो आप ही लोग रहते हैं। हाँ जी, आप लोग आइए, पहले कनेक्ट हो जाइए। हाय मिस्टर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाय अनुप, ओके अनुप लाकरा, आप झारखंड या उड़ीसा से हैं क्या अनुप? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग अनुप, लगता है झारखंड से हैं शायद। ठीक है, चलिए, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट टू मी। मैं एक बार देख लूँ कमेंट बॉक्स में, फिर हम लोग शुरू कर लेते, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे हम लोग, हम लोग अपनी क्लास को शुरू करेंगे। और आप जितने भी लोग हैं, आप लोगों ने अभी तक इस टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाया करती हैं, और जल्दी आपको इसके ऊपर कंटेंट्स वगैरह भी आपको उपलब्ध हो जाया करेगा। ठीक है गाइस, चलिए, ओके, यस अनुप, ठीक है, दैट्स ग्रेट, ओके, चलिए, सो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं, बाकी लोग आते रहेंगे। अब प्रतीक्षा का समय थोड़ा सा अप हो गया है, अब हम लोग अपनी बात को शुरू करें। तो जैसा कि मैंने एक बार बताया था, मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि इस सेशन का, इस सीरीज का, बल्कि इस सीरीज में आपके सामने आ ला रहा हूं मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, अभी मैंने दोहराया ही था, फिर से मैं दोहरा दूं कि देखिए क्या है कि आर्ट एंड कल्चर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उससे पिछले दो साल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट आपके न्यूज रहे हैं उन सभी को इस सेशन के माध्यम, इस सीरीज के माध्यम से आप तक पहुंचाना मेरा ये उद्देश्य है इसका। दूसरी बात, कैसे इसमें हम लोग प्रोसीड करेंगे, तो हम थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन को कवर करेंगे। स्टैटिक पोर्शन के अलावा जो भी करंट अपडेट्स होंगे वो सारी की सारी चीजें उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो होंगी वो मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि ये सही जो आप सभी लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। सो ये पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर ले, पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग पेंटिंग्स के ऊपर में। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, पेंटिंग्स के ऊपर में, और फिर जो करंट अफेयर्स में रहा है उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए भारत में दरअसल क्या है कि अगर हम लोग बात करें, चलिए हम लोग थोड़ा सा अपने जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं उस तरीके से स्क्रीन पे ही बात करें। देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ अगर हम लोग बात करें पेंटिंग्स के बारे में, अगर हम लोग बात करते हैं पेंटिंग्स के बारे में, तो पेंटिंग्स की शुरुआत अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ स्टोन एज से ही हो जाता है। स्टोन एज से ही हम देखेंगे कि पेंटिंग की शुरुआत हो जाती है। जब आपने देखा होगा कि पैलोलिथिक एज में ही लोगों ने क्या किया था कि जो उनका जो सेल्टर हुआ करता था, यानी कि उसमें नेचुरल केव्स हुआ करते थे, नेचुरल केव्स होते थे, नेचुरल केव्स जो उनके सेल्टर्स हुआ करते थे, केव्स होते थे,
तो इनके वॉल्स के ऊपर में ये क्या करते थे, इनके वॉल्स के ऊपर में ये पेंटिंग क्या करते थे, दे यूज टू पेंट। पेंटिंग क्या है, मतलब अपना जो भी एक्सप्रेशन होता था इसके वॉल्स पे ये क्या करते थे। तो यानी कि पेंटिंग की शुरुआत अगर हम लोग देखें तो स्टोन एज में ही पैलोलिथिक पीरियड से ही हमें देखना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हमने देखा होगा बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास हैं, जैसे कि आप भीमबेटका से देखेंगे, भीमबेटका की जो गुफाएं मिली हैं भीमबेटका में, तो वहां क्योंकि वॉल्स पे आपको पेंटिंग देखने को मिलता है। तो पेंटिंग की शुरुआत अगर हम देखें तो आप देखिएगा ह्यूमन के सिविलाइजेशन के साथ ही इसकी शुरुआत हो जाती है और ये अभिव्यक्ति का एक्सप्रेशन का एक बहुत बढ़िया जरिया होता था। आगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग जब स्टोन एज से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन दिखाई देगा, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास वैदिक एज दिखाई देता है, वैदिक एज देखेंगे, फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ मॉरियन एज आता है, मॉरियन एज दिखाई देगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो पोस्ट मॉरियन एज है, यहाँ भी हम देखते हैं कि हमारे पास जो है सो ये पीरियड हमें दिखाई देता है। यानी कि अगर हम हिस्ट्री में अगर हम एक तरीके से एक सीक्वेंस लेके चलें तो स्टोन एज के बाद हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता, वैदिक काल इनफैक्ट कहें हम लोग, संस्कृति वैदिक संस्कृति, सभ्यता नहीं बल्कि वैदिक संस्कृति कहें, फिर मौर्य काल हमारे पास 6th century BC भी इन बिटवीन में है, बुद्ध काल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, पोस्ट मॉडर्न एज भी है। तो हम देखते क्या है कि प्राइमरली ये जो पीरियड हमारे पास रहा है यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, फिर 6th शताब्दी ईसा पूर्व 6th century BC या इसी को लोग बुद्ध काल भी कह लें या हम उसको महासंपत काल कह लें मॉडर्न एज में, तो इस समय जो पेंटिंग है वो प्राइमरली आप देखेंगे जो आपको एविडेंसेस मिले हैं प्राइमरली आप देखेंगे कि इसको पॉटरी पे किया गया है। पॉटरी का मतलब समझ पा रहे हैं जो मृदभांड होते हैं, मृदभांडों के ऊपर आप देखेंगे कि आपके पास मृदभांड दिखा, तो इसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट संस्कृति के पॉटरीज लाए गए, जैसे आपने देखा OCP, PZW, NBPW, तो ये तमाम तरह की जो पॉटरीज हैं इनके ऊपर आपको ये पेंटिंग्स देखने को आपको मिलता है। पेंटिंग्स हम देखेंगे किसके ऊपर देखने को मिलता है, पॉटरीज के ऊपर आपको पेंटिंग देखने को मिलता है। और जो रियल शुरुआत अगर हम लोग बात करें कि पेंटिंग की, जो ना जो हम बोलते हैं कि रियल बर्थ हम लोग कह सकते हैं पेंटिंग का, वो हमें दिखाई देता है कहाँ से, तो ये हमें दिखाई देता है गुप्ता एज से, जो रियल होता है गुप्ता एज से हमें रियल पेंटिंग दिखाई देती है। यानी कि जो रियल बिगनिंग है पेंटिंग्स के बारे में, रियल बिगनिंग आप कह सकते हैं, रियल बिगनिंग वो हमें दिखाई देता है गुप्ता एज से दिखना शुरू हो जाता है। सो पेंटिंग्स हमारे पास पहले से ही रहा है वैदिक, उसके बाद हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक एज एंड मॉडर्न एज में प्राइमरली जो पेंटिंग की जाए दैट इज ऑन द पॉटरीज, मृदभांडों के ऊपर किया गया, विभिन्न मृदभांड संस्कृतियां आपको देखने को मिली हैं, उन संस्कृतियों के मृदभांडों के आप देखेंगे ऊपर देखेंगे तो आपको पेंटिंग्स देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें गुप्ता एज में तो आपको रियल पेंटिंग की शुरुआत हो जाती है। तो यहां तक इतनी बातें हम लोगों ने कर ली। ठीक है, अब आइए देखते हैं। सो हमने यहां पे देखा है कि जो पेंटिंग की शुरुआत है वो प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग हमें देखने को मिलता है। तो राइट गाइस, हमने देखा कि रियल जो पेंटिंग हमें दिखाई देती है वो प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स दिखाई देती है जो कि वेरी सिंपल रह रहे हैं, जैसे हमने भीमबेटका का जिक्र किया था, मिर्जापुर का जिक्र किया था, तो ऐसे कई आपको मिलेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि पॉटरी की कल्चर हमें दिखाई देने शुरू होती है और जो रियल बिगनिंग पेंटिंग की शुरू होती है दैट इज फ्रॉम गुप्ता एज। इतनी बातें हमारे पास हो गई। अब आइए अगर हम लोग बात करें तो पेंटिंग को लेकर के कि हमारे पास जैसे हमने कहा कि गुप्ता एज में पेंटिंग की रियल शुरुआत होती है, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। अगर हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर हम एक मिनट अगर हम बात करते हैं कि गुप्ता एज में अगर पेंटिंग की शुरुआत हो रही है यानी कि जो रियल बिगनिंग है हमारे पास, रियल बिगनिंग है, हम देखते हैं अगर हमारे पास अगर हम लोग बात करें रियल बिगनिंग बात करते हैं हम लोग हैं पेंटिंग की, बिगनिंग ऑफ पेंटिंग अगर हम लोग बात करें तो आप देखिएगा कि यहाँ पर गुप्ता एज में शुरू होता है। तो कैसे कहते हैं गुप्ता एज में रियल पेंटिंग की शुरुआत होती है, दरअसल क्या होता है पेंटिंग को एक डिसिप्लिन के रूप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेंटिंग एक डिसिप्लिन दिखाई देता है, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, पेंटिंग एक डिसिप्लिन के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, इसको इसके एक रूल एंड रेगुलेशंस होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे और इसको जो है सो देखेंगे रूल रेगुलेशन के अंदर पेंटिंग को करने की कोशिश की जाती है। अगर आप देखें, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिएगा क्या कि इस समय जो जो कामसूत्र है अगर हम बात करें तो कामसूत्र में 64 कलाओं के बारे में बताया गया है, 64 जो आर्ट्स हैं ना इनके बारे में बताया गया, 64 आर्ट्स के बारे में बताया गया, और इन 64 कलाओं में से एक कला है वो है आपके पास, वो है आपके पास पेंटिंग, वन आर्ट इज योर पेंटिंग। ठीक है ना, एक जो कला है पेंटिंग। अब जैसा कि मैंने कहा कि इसकी अगर हम बात करें कि रियल बिगनिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है, एक डिसिप्लिन के रूप में स्टैंडर्ड फॉर्मेट तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ पेंटिंग को किया जाने लगा है। तो इस समय हम देखेंगे कि जैसे मैंने कहा कि कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, आप देखेंगे इसलिए इसका डिफरेंट आप देखेंगे कि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो डिफरेंट प्रिंसिपल जिसको अब हम बोल सकते हैं डिफरेंट प्रिंसिपल, यानी कि 6 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं इसी वात्स्यायन के कामसूत्र में कि 6 प्रिंसिपल्स हैं पेंटिंग को करने को लेकर के। ठीक है ना, प्रिंसिपल्स
हैं पेंटिंग को करने के लिए, ठीक है। और यहां से फिर पेंटिंग एक स्टाब्लिश डिसिप्लिन के रूप में यहां से शुरू हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए सभी लोग, ठीक है, ठीक है, दैट्स ग्रेट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, ठीक है। सो हमने देखा कि यहां से प्रिंटिंग की शुरुआत, जब इसके हम छह प्रिंसिपल्स को देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सड अंग, सड का मतलब होता है छह और अंग का मतलब होता है ऑर्गन्स, लिम्स। तो सिक्स मेन प्रिंसिपल्स या लिम्स या सडांग हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करें कि पेंटिंग के बारे में, तो ये तो हमने थोड़ा सा देखा कि हिस्ट्री क्या कहता है हमारे पेंटिंग्स का, कि किस तरीके से पेंटिंग की शुरुआत हुई, किस तरीके से ये एक डिसिप्लिन के रूप में एस्टैब्लिश होता है, किस तरीके से इसके साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस अटैच होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने बात करी। मोटे तौर पर आप आइए हम पेंटिंग के प्रकार के बारे में बात करें, पेंटिंग के वर्गीकरण के ऊपर बात करें, तो पेंटिंग दो तरीके के होते हैं। एक होता है मुराल पेंटिंग और दूसरा होता है हमारे पास जो है सो क्या होता है वो हमारा होता है मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। तो अब देखिए पेंटिंग के क्लासिफिकेशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, पेंटिंग के क्लासिफिकेशंस को लेकर के, ठीक है ना। सो अगर हम लोग बात करें तो पेंटिंग के हमारे पास क्लासिफिकेशन है, पेंटिंग के क्या है हमारे पास क्लासिफिकेशंस हैं, क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करें, ठीक है। क्लासिफिकेशन तो देखिए आपने सुना होगा कई बार कि जो हमारे पास पेंटिंग है इसके दो बेसिकली फॉर्मेट होते हैं, एक होता है मुराल पेंटिंग, मुराल पेंटिंग, और दूसरा होता है मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर मिनिएचर पेंटिंग, राइट, मिनिएचर पेंटिंग होती है। ये दो पेंटिंग के हमारे पास प्रकार देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, मुराल पेंटिंग और दूसरा हमारे पास होता है जो है आपके पास मिनिएचर पेंटिंग। बात समझ पा रहे हैं, मुराल जो पेंटिंग होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र करेंगे। इसके ये क्या होता है कि एक लार्ज पेंटिंग होती है, ये लार्ज यानी कि ये जो होता है ये एक्सटेंसिव यानी कि लार्ज एरिया पे ये पेंट किया जाता है, लार्ज एरिया पे ये पेंट किया जाता है, ठीक है। दूसरा इसमें ये होता है कि जनरली हम क्या करते हैं कि जनरली जो एक सॉलिड जो सरफेस होता है, जैसे कि आप मान सकते हैं कि रॉकेट केव्स हो गए, टेंपल के वॉल्स हो गए, वॉल हो गया, तो एक लार्ज एरिया होता है, उस एरिया के ऊपर में आप यहाँ पर पेंटिंग करने की कोशिश करते हैं। सो लार्ज एरिया होता है यहाँ पर जिसपे आप पेंटिंग करेंगे, सॉलिड होगा, सॉलिड बैकग्राउंड होगा, ठीक है ना, लार्ज एरिया सॉलिड बैकग्राउंड होता है, ठीक है ना, बैकग्राउंड होता है, उसके ऊपर आप क्या करते हैं पेंट करते हैं। जनरली आपने देखा होगा कई बार, आज भी यह परंपरा आपको कई बार कई नई मंदिरों के निर्माण में आप देखेंगे किया जाता है, जब टेंपल में आप जाएंगे तो टेंपल के वॉल्स के ऊपर भी पेंटिंग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मुराल पेंटिंग। मुराल पेंटिंग की जो एक्चुअली हम लोग शुरुआत अगर माने तो हम देखते हैं कि हालांकि इससे पहले भी थोड़े मिले, लेकिन हम एक तरीके से देखते हैं तो सेकेंड सेंचुरी बीसी से आप इसकी शुरुआत मान सकते हैं, ठीक है ना, एंड कुछ केसेस में टेंथ सेंचुरी बीसी भी चला जाता है। सो सेकेंड सेंचुरी बीसी से आप रफली इसको मान सकते हैं मुराल पेंटिंग के बारे में, ठीक है। मुराल पेंटिंग के कई टेक्निक्स हैं, अगर हम लोग बात करें टेक्निक्स को लेकर के, मुराल पेंटिंग्स के टेक्निक्स को लेकर, मेथड क्या कह लें या टेक्निक्स कह लें हम लोग, जो पेंटिंग के टेक्निक्स होते हैं तो इसके कई प्रकार हैं, ठीक है ना, टेक्निक के कई प्रकार हैं, ठीक है। अब इस टेक्निक में जो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टेक्निक है, एक होता है हमारे पास फ्रेस्का पेंटिंग जिसको हम लोग फ्रेस्को बोलते हैं, फ्रेस्का, और दूसरा होता है हमारे पास टेम्पेरा, टेम्पेरा पेंटिंग होता है, ठीक है ना, टेम्पेरा पेंटिंग होता है। जो फ्रेस्को और जो पेंटिंग होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं टेम्पेरा में क्या करते हैं, आप देखिए क्या है कि वॉल के ऊपर जब आप करते हैं पेंटिंग करते हैं ना, तो इसमें एक फर्क होता है, ये जो टेक्निकल बात बता दूं मैं आपको, वो होता है बाइंडिंग का, ठीक है ना, बाइंडिंग का। बाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर में हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमने फ्रेस्को में क्या करते हैं, फ्रेस्को वाले पेंटिंग में कि मान लीजिए हमने वॉल को तैयार किया, ठीक है ना, एक वॉल है जिसके ऊपर हमें पेंट करना है, ठीक है, मुराल पेंटिंग में अब इसको हमने तैयार किया, ठीक है, तो ये जो वॉल है इसके ऊपर हमें पेंट करना है, ठीक है ना, ये हमें पेंट करना है। तो फ्रेस्को में क्या होता है कि वॉल को प्रिपेयर जब करेंगे ना, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के थ्रू, केमिकल रिएक्शन हम जो है के थ्रू हम लोग क्या करते हैं जो है सो वॉल को एक प्रिपेयर करते हैं, जिसकी वजह से जो कलर है यहाँ से अटैच्ड होता चला जाता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है, बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। जनरली वॉल को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, आपने देखा हो जिस तरीके से आज भी घरों में जब हम लोग पेंटिंग करते हैं तो पहले वॉल को प्रिपेयर किया जाता है, एक बार पहले हम सिंपल उसको कोट करते हैं, फिर उसके ऊपर जो है सो हम लोग को जो पी यूपी जैसे जो कुछ हमें वो प्राइमर जैसा कुछ चीज़ें होती हैं वो हम लगाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फिर पेंट करना शुरू करते हैं, उसके बाद जो है सो सेकंड राउंड की पेंटिंग होगी वो फिक्स होना शुरू होता है। तो धीरे धीरे केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर होते रहते हैं जिसकी वजह से कलर जो है आपका बाहर निकल के आता है। टेम्पेरा में अगर हम जो उसके साथ बाइंड होता है, अटैच होता है उस सर्फेस के साथ, टेम्पेरा में क्या होता है कि बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम किसी चीज़ को एड ऑन करते हैं, ये एडिशनल चीज़ें होती हैं जो टेम्पेरा शैली में हम लोग डालते हैं। जनरली उस समय क्या होता है जैसे कि हम लोग बात करें कि इसमें वॉल को प्रिपेयर करने के लिए या बाइंडिंग मटेरियल के रूप में अगर हम लोग देखें तो एग योक जो होता है, एग योक का हम जनरल प्रयोग करते हैं ताकि आप जानते हैं उसके अंदर स्टिकी सा होगा, तो वो क्या होता है जब सूखता है तो वो ड्राई होकर के वो थोड़ा सा क्या होता है फिक्स सा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यह एक बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम एक एड ऑन करते हैं जो कि एग योक होता है हमारा, दैट इज द टेम्पेरा मेथड, ठीक है। सो बाइंडिंग के फर्क है केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम लोग यहाँ करते हैं, और यहाँ पर बाइंडिंग में हम लोग
एडिशनल कुछ डालते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक योग का हमने प्रयोग किया और उसको पेंट के साथ हम लोग डालना शुरू करते हैं। तो इसके दो टेक्निक हैं, फ्रेस्को टेम्प और टेम्पेरा, ये दो टेक्निक हैं जो मुराल पेंटिंग के आते हैं। मिनिएचर वाले में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ मिनिएचर, तो मिनिएचर में आप देखिए, आप ये जानते हैं मिनिएचर, मिनी का मतलब ही होता है स्मॉल, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि कोई भी जिसको आपको पेंट करना है वो बहुत ही आपके छोटे साइज में होता है, मिनी होता है, ठीक है। जनरली आप देखेंगे कि जो जिसको आपको पेंट करना है, जनरली आप 25 इंचेस का आप इसमें जो है सो क्या करते हैं, पेंटिंग को करते हैं। जो एक्चुअल साइज होता है किसी को पेंट करने का, जो एक्चुअल होगा, जो उसका रियल है साइज, उसका मैक्सिमम जो हम लोग लेते हैं, मैक्सिमम जो रियल ऑब्जेक्ट है उसका 1/6 पोर्शन हम लोग लेते हैं फॉर पेंटिंग, ठीक है ना। सो ये कुछ टेक्निकल बातें हैं मिनिएचर को लेकर, जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया। सो पेंटिंग हो गया, इसके क्लासिफिकेशन को हमने देखा, दैट इज कॉल्ड मुराल पेंटिंग, दैट इज कॉल्ड मिनिएचर पेंटिंग, राइट। तो ये आपने देखा मुराल पेंटिंग के दो आपके टेक्निक हो गया, एक हो गया फ्रेस्को, दूसरा हो गया टेम्पेरा। मिनिएचर पेंटिंग में आप देखेंगे जितने भी अभी आजकल के जो लोग का आप देखेंगे पेंटिंग्स हो रही है, जो आप किशनगढ़ शैली में देख लीजिए, या फिर अगर हम लोग बात करें जो पेपर ऊपर पे, जैसे क्लॉथ पे, ये जो मिनिएचर पेंटिंग होता है जनरली क्या होता है कि पेपर पे होगा, क्लॉथ पे होगा, ठीक है, इन सारी चीजों के ऊपर में एटसेट्रा, इन सभी के ऊपर में मिनिएचर पेंटिंग को किया जाता है, ठीक है ना। तो जितने भी जो फोक आर्ट्स अभी आजकल को जनरली देखने को मिलते हैं, जो किसी पेपर पे, किसी कपड़े के ऊपर में, इन सभी के ऊपर में, या कभी उनका जो बॉक्स वगैरह होता है उन सभी के ऊपर में पेंटिंग के जो हम लोग करते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज अ काइंड ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बात को समझ पा रहे हैं कि मेरी जो आपके पास क्लासिफिकेशन है पेंटिंग का, उसमें दो चीजें आपको दिख रही है, वो आपको एक दिख रहा है क्या, वो दिख रहा है आपके पास, वो आपके पास एक मुराल पेंटिंग है जिसमें कि लार्ज साइज में आप पेंट करते हैं, ये जो है सो केव वॉल्स के ऊपर में, टेंपल या प्लेसेस के ऊपर में, जो पैलेसेस के ऊपर में, उनके वॉल्स के ऊपर में पेंटिंग करते हुए आपको दिखाया जाता है, ठीक है ना। और इसकी शुरुआत जो होती है वो 2nd century BC से हम लोग देख मान सकते हैं कि इसकी शुरुआत होती है। जैसा हमने आपको बताया कि इसके दो टेम्पिंग पेंटिंग स्टाइल है, मेन एक है फ्रेस्को, दूसरा होता है टेम्पेरा, ये हमने बात कर लिया इन सभी चीजों के बारे में। मिनिएचर पेंटिंग के बारे में हमने बताया कि ये हैंड क्राफ्टेड पेंटिंग्स होते हैं, डेलिकेट यूज ऑफ ब्रश, बहुत ही हल्के से इस पे किया जाता है, और ये वेरी स्मॉल स्केल पे होता है, ठीक है ना, मैं स्मॉल स्केल पे होता है। आपने देखा होगा कि जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पेजेस को पेंट किया गया है, पेंटिंग किया गया है, ठीक है ना, पेंटिंग किया गया है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ पेंटेड इन बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स पे भी आप करते हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसके हर एक पेज को भी, हर एक को क्या किया गया है, उसको पेंट किया गया, पेंटिंग की है। तो ये जो पेंटिंग होगा दैट वुड बी मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है ना। हर एक का अपना, हर एक का जो पार्ट है उसके अपने एक थीम है, ठीक है, इस थीम के आधार पर उसको पेंट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो ये आप कोई बुक को आप पेंट कर लेते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स पे करते हैं, कपड़े पे करते हैं, पेपर पे, इवन कोई ग्लासेस पे भी अगर आप पेंट करें, दैट इज कॉल्ड द मिनिएचर पेंटिंग। आप में से कई लोगों की ये आदत होती है, कई बार आप देखेंगे कि अगर हम लोग बात करें कि जैसे हमने लिया कोई पेपर का पीस लिया और हमने क्या किया, इसके ऊपर भी हमने कुछ कुछ पेंट करना शुरू किया, फॉर से कि हमने इसकी बाउंड्री डिफाइन करी, ठीक है ना, इसके मार्जिन हमने डिफाइन कर दिए और हमने एक पैटर्न यहाँ बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, व्हाट यू कैन से दिस, ठीक है, फॉर से कि अगर आपने ऐसा कुछ आपने पेंटिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो ये क्या है, सो दिस इज यू मेड अ फ्रेम, ठीक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड यू स्टार्ट ड्रॉइंग समथिंग राइट ओवर हियर, ठीक है ना, आपने यहाँ पर कुछ करना शुरू कर दिया, सो इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई से दैट इज कॉल्ड अ मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। सो आपने देखा दिस इज काइंड ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, किसी किताब के ऊपर, मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर में, ठीक है, आपने देखा पेपर, क्लॉथ, ग्लासेस, ये सब का सब हमारे मिनिएचर पेंटिंग के एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। अब आइए, तो ये ब्रॉडली हमने थोड़ा सा आपको ये बताने की कोशिश करी कि पेंटिंग जो होता है हमारे पास, पेंटिंग का क्या है, कैसे शुरुआत होती है, कितने प्रकार के पेंटिंग होते हैं, टेक्निक्स, उसके कुछ जो प्राइमरी टेक्निक्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब हमारा उद्देश्य ये है कि आपको इस बात से परिचित करवाया जा सके कि कौन कौन से पेंटिंग हैं जो इस समय न्यूज में रहे हैं, उनके बारे में हम लोग बात करें। आप देखिएगा एग्जामिनेशन में, जब भी आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को अगर आप देखें तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि आप देखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं खासकर ये पेंटिंग्स वगैरह से, जनरली क्या होता है कि ये उनके प्लेसेस के बारे में एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, प्लेसेस के बारे में। अगर हम लोग बात करें कि प्लेसेस, जैसे कि कोई पेंटिंग है, पर्टिकुलर पेंटिंग है, तो वो उसका रीजन क्या है, कहाँ पर ये क्या है, उसका थीम क्या है, इतनी चीजें अगर हम लोग देखते हैं तो जनरली यहाँ से सवाल हमारा बनने की पूरी गुंजाइश होती है, ठीक है ना। इसमें जो पहला जो न्यूज है जिसको हम लोग ले रहे हैं पेंटिंग इन न्यूज में, वो है पटचित्र, ठीक है ना। पटचित्र अगर हम लोग बात करें तो अगर आप देखें इंडिया में, तो ये आपका जो है, अगर हम लोग बात करें तो ये जो रीजन है आपका, दैट इज इन बंगाल, ये जो आपका रीजन होता है यहाँ पर पूरा का पूरा, ये जो बंगाल का रीजन है, ठीक है ना, ये बंगाल का रीजन और उड़ीसा के रीजन में आपको ये देखने को मिलता है, यानी कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ये जो है आपके पास, ये जो पेंटिंग स्टाइल होती है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, ये पटचित्र देखने को मिलता है।
और ये कोई भी देखेंगे, कोई भी जो पेंटिंग होती है जो इनिशियल डेज में आए थे उसके एक थीम होता है। तो यहाँ देखेंगे कि जो पुरी के जो मंदिर हैं जिसमें श्री जगन्नाथ देव जी हैं, जो कल्ट ऑफ श्री जगन्नाथ हैं, उनकी पेंटिंग्स को यहाँ पर मैं इसमें पटचित्र में दर्शाने की कोशिश की गई, उड़ीसा हो वेस्ट बंगाल के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि जो कल्ट ऑफ श्री जगन्नाथ है, ठीक है ना, या टेम्पल जो ट्रेडिशन है यानी कि पुरी के अंदर जो हमारे पास है, यानी कि उसमें जो प्रैक्टिस वगैरह उनको पेंट करने की कोशिश की गई है, ठीक है। ये जो आपको ये आप दृश्य देख पा रहे होंगे ये पटचित्र का ही उदाहरण है और इसमें नेचुरल डाइज का यूज किया गया, यानी कि जो प्राकृतिक रंग है उन सभी का प्रयोग किया जाता रहा है। और इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि पेंटिंग जब स्टैब्लिश होते हैं एज अ डिसिप्लिन तो इसके पास कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो ये जो है बहुत ज्यादा नियम और कानूनों से बंधा पड़ा हुआ है। रूल्स एंड जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये काफी यहाँ पर में फॉलो किए जाते हैं और इमोशंस बहुत ही स्टार्कली एक्सप्रेस किए गए हैं, बहुत ही स्टार्कली, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो आपको इमोशंस हर एक इमेज में कुछ ना कुछ इमोशंस आपको देखने को यहाँ पर दिखेगा, ठीक है ना, एक एक्सप्रेशन आपको दिखाई देता है। ये डालियंस में भी देखेंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये हर जगह आप देखेंगे कि एक इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई है। सो दिस इज अ फीचर ऑफ पट चित्र, ठीक है, ये हमारे पास क्या है पट चित्र के बारे में, ठीक है, इतनी बड़े समझ पा रहे हैं। अब आइए दूसरी पेंटिंग की तरफ हम लोग चलते हैं, तो हमारे पास जो दूसरा पेंटिंग है ये अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास है कावी आर्ट, ठीक है। कावी आर्ट का जो क्षेत्र है जैसे मैं आपको बताना चाहूँ तो ये देखिए, फिर से मैं आपके लिए फिर से एक मैप ड्रॉ कर लेता हूँ, जरूरी है कि आपको मैप के थ्रू चीजों को समझाया जा सके, इतना वक्त होता नहीं है कि अब बताऊं मैं, तो ये आपके पास हो गया और यहाँ आप जानते हैं कि ये महाराष्ट्र का रीजन है और यहीं पर गोवा होता है, ठीक है ना, ये गोवा है, ठीक है, और गोवा के नीचे ही आपके पास आप देखेंगे तो ये है कर्नाटका, ठीक है ना। सो कर्नाटका का ये जो क्षेत्र है गोवा के बाद, ये आप देखेंगे ये हो गया आपके पास महाराष्ट्र, ठीक है, यहीं पर गोवा और यहीं पर कर्नाटका, ये पूरा का पूरा शुरू होता है, यानी कि ये जो रीजन है आप देख लीजिए, ये महाराष्ट्र गोवा और ये कर्नाटका का जो कोस्टल रीजन है, ठीक है ना, ये कर्नाटका का क्षेत्र, इन्हीं रीजन्स में आपको कावी आर्ट देखने को मिलता है, यानी कि ये जो रीजन है आपका महाराष्ट्र कोस्टल कर्नाटका एंड गोवा इंक्लूडिंग गोवा, ये जो आपके पास क्षेत्र है यही आपका कावी आर्ट का क्षेत्र है, कावी आर्ट बोलते हैं इसको, कावी आर्ट का क्षेत्र है, ठीक है। और ये भी जो है, या अगर हम लोग बात करें तो ये जो है टेम्पल से एसोसिएटेड है, टेम्पल से एसोसिएटेड है, टेम्पल के वॉल्स के ऊपर में, टेम्पल वॉल के ऊपर में आपको ये आर्ट देखने को मिलेगा, टेम्पल आर्ट के ऊपर देखने का। जैसे अगर आप इस देखिए इस इमेज में जो मैंने आपके लिए लिया है, अब ये देखिए यहाँ पे कुछ बीम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये ब्लू कलर का जो बीम्स दिख रहे हैं, ये रॉड दिख रहे हैं, और ये जो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ये वॉल जो है थोड़ा सा कर्व करता हुआ जा रहा है, कर्व करता हुआ जा रहा है। सो इसका मतलब ये है कि एक टेम्पल वॉल है इसके अंदर और ये वॉल है जिसके ऊपर में इसको जो है हम लोगों ने क्या किया है, इसे पेंट करने की कोशिश करी है, ठीक है ना, पेंट करने की कोशिश करी है। अब देखिए कावी आर्ट कैसे पढ़ा है, ये नाम कैसे पढ़ा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें जो कावी आर्ट है, कावी ये एक शब्द है, काव उससे निकला हुआ है, काव का मतलब होता है रीजनल लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं लाल मिट्टी, और लाल मिट्टी का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, ठीक है ना, लाल मिट्टी का प्रयोग यहाँ पर पेंटिंग में किया गया। जैसे यहाँ आप देखेंगे कावी आर्ट में भी जो कलर आपको दिख रहा होगा ये आपके पास डीप धूसर जिसको बोल सकते हैं, या हम लोग ये बोलें कि रेड कलर का आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ रेड सॉइल्स की वजह से दिखाई दे रहा है। और इसमें जो पेंटिंग की जाती है बेसिकली, अब ये भी आप समझ पा रहे होंगे ये किसका उदाहरण है, तो मुराल पेंटिंग का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये वॉल्स के ऊपर किया गया, एक सॉलिड सर्फेस के ऊपर किया गया। तो ये जो कावी आर्ट है ये आपका एक मुराल पेंटिंग है, ठीक है ना। और इसमें जो फ्रेस्को जिस तरीके से हम लोग वॉल को प्रिपेयर करते हैं, पहले गीला करके उसके ऊपर में केमिकल रिएक्शन करवाना होता है ताकि कलर इसके ऊपर हमारे ऊपर चढ़े, ठीक है, समझ पा रहे हैं ये, तो ये फ्रेस्को है पेंटिंग है, मुराल पेंटिंग फ्रेस्को टाइप का, ठीक है। तो ये आपके पास एक टेम्पल का वॉल आपको यहाँ पे दिखाया गया जहां पर मैं एक थीम को यहाँ पर मैं क्या किया पेंट करने की कोशिश की है। सो दिस इज व्हाट इज योर कावी आर्ट, मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं, सो दिस कॉल्ड व्हाट कावी आर्ट। चलिए ये तो हमारे पास दूसरा जो है पेंटिंग हमारा आर्ट हो गया। अब आइए हम लोग आइए बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग संथाली सोहराई मुराल्स के ऊपर में, ये तीसरे जो है पेंटिंग जो है वो हमारा न्यूज में रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करें, संथाली सोहराई मुराल्स, ठीक है। अब ये देखें तो ये डोमिनेट करता है हमारे पास, ये जो रीजन है ज्योग्राफिकली अगर हम लोग बात करें तो अगर आप ये देखेंगे तो ये हमारे पास, ठीक है, ये आपके पास ये उड़ीसा होता है, ठीक है, यहीं पर मैं आपके पास जो है सो झारखंड होता है अपना, ठीक है, झारखंड, ठीक है, ये झारखंड हो गया, यहीं पर अपना बिहार हो गया। तो ये जो आपके पास जो झारखंड का रीजन है, और झारखंड में भी खास करके बोले इसका जो सेंटर है वो है हजारीबाग, ठीक है ना, हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग, ये हजारीबाग, ठीक है ना। इसमें हम देखेंगे कि ये अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, इसको आप समझने की कोशिश करें,
तो ये अब देखिए, ये पूरा एक वॉल है, इस वॉल को पेंट करने की कोशिश की गई है। दिस इज अ वॉल व्हिच हैज बीन पेंटेड, ठीक है ना, इस वॉल को यहाँ पर पेंट करने की कोशिश की गई है। सो ये जो वॉल है, ये भी, ये जो पेंटिंग है, ये भी आपके पास क्या है, एक मुराल पेंटिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, जिसमें परंपरागत तरीके से और रिचुअलिस्टिक तरीके से मुराल पेंटिंग को करने की कोशिश की गई है, ठीक है ना, इस पेंटिंग को करने की कोशिश की है। यानी कि संथाली सोहराई जो मुराल है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास कौन सा हो गया, ये पूरा का पूरा ये झारखंड का रीजन है। झारखंड में भी हजारीबाग का रीजन है और हजारीबाग में भी जो पेंटिंग किया जा रहा है वो परंपरागत तरीके से किया जाता है, रिचुअलिस्टिक मुराल आर्ट आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग बात करें तो ये 2020 में, ठीक है ना, इस संथाली सोहराई को GI टैग मिला है, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है ना, इंडिकेशन के टैग के बारे में हम लोग बात करें तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, यानी कि इंडिकेशन की बात की, यानी कि GI टैग इसको मिला है 2020 के, आई थिंक हम देखते हैं इसको यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जो मुराल मुराल सब हजारीबाग है, ये काफी प्रिमिटिव है, काफी पुराना है, प्राइमोर्डियल है, विद डिफरेंट मोटिव्स। इसके अंदर देखेंगे कि जो मोटिव्स का मतलब होता है पैटर्न जो आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, पैटर्न्स हैं दैट यू ड्रॉ, ठीक है ना, जो आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये जो मुराल्स जो आप पेंटिंग में आप देखेंगे यहाँ पर प्राइमोर्डियल जो है डिफरेंट मोटिव्स आपको देखने को मिल रहा है। अब ये पैटर्न देखिए, यहाँ पर कई चीजें देखेंगे, कुछ एनिमल्स आपको यहाँ पर पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है, कुछ बर्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, प्लस यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह भी कुछ कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा, कुछ प्लांट्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे, लीव्स भी देखने को मिला होगा। तो ये कि प्राइमोर्डियल विद डिफरेंट मोटिव्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। और जबकि अभी हम अगर बात करें कि जो संथाली सोहराई अब जो थोड़ा डेवलप होकर के आया है, जहां पर हमें अभी जो रिसेंट आप देखेंगे तो इसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को, यानी कि शेप्स को यहाँ पर में प्राइमरली यहाँ पर फीचर किया जाता है, ठीक है, ठीक है। जो अभी संथाली सोहराई है, ठीक है, जो मुराल्स ऑफ हजारीबाग है वो प्राइमोर्डियल होता है, मतलब जो भी जहां से इसके ऑरिजिन हुई है, जो डिफरेंट पार्ट मोटिव्स आप देखेंगे। लेकिन जो अब संथाली सोहराई जो अभी डेवलप होकर आ रहा है, इसमें ज्योमेट्रिकल शेप को आप देखेंगे जनरली क्या है, ये फीचर किया जाता है इस पेंटिंग के अंदर। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड योर संथाली सोहराई मुराल्स। नेक्स्ट आ जाइए वर्ली पेंटिंग के बारे में, अगर हम लोग बात करें तो वर्ली पेंटिंग आपका वर्ली के नाम से ही स्पष्ट होगा, जैसा कि शायद आप लोग जानते भी होंगे, ये महाराष्ट्र का रीजन होता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग ये बात करें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये महाराष्ट्र का रीजन होता है, दिस इज योर महाराष्ट्र, ठीक है ना। ये महाराष्ट्र के रीजन में आप देखेंगे वर्ली पेंटिंग की जाती है, दिस इज द रीजन ऑफ वर्ली पेंटिंग, ठीक है। इस पेंटिंग में एक बात है कि आप देखेंगे कि दो डायग जो ज्योमेट्रिकल शेप है उसका जम करके प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। एक तो इसमें दो शेप है, एक होता है सर्कल, ठीक है, और दूसरा होता है ट्रायंगल। ये दो फीचर हैं जो एक तरीके से बोलें कि प्राइमरी आपके पास पेंटिंग के तरीके हैं, ये आप देखें, एक हो गया सर्कल, दूसरा हो गया हमारे पास ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सर्कल और दूसरा को ट्रायंगल। अब देखिए इसमें होता क्या है कि अगर हम लोग देखेंगे पेंटिंग्स में, तो यहाँ पे पीपल्स को भी और एनिमल्स को भी पेंट करने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब यहाँ होता क्या है कि जब भी हम कुछ पेंट कर रहे होते हैं तो हम ट्रायंगल और प्राइमरली और हम सर्कल का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमें किसी ह्यूमन बींग को यहाँ पर दर्शाना है तो हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड हमारे पास एक ट्रायंगल हमने बनाया, ठीक है, इन्वर्टेड ट्रायंगल हमने बनाया, ठीक है, ये हमने ट्रायंगल बनाया जिससे उसके बॉडी पार्ट आ गए। फिर यहाँ पर हमने क्या है, सर्कल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई फॉर से एक लेडी है, ठीक है, हमने क्या किया कि यहाँ पर उनके लेग्स को बनाने की कोशिश करी, एंड दिस इज हाउ यू कैन सी जो है सो एक हमारे पास क्या हो गया, एक फिगर इमेज बनकर के आया। तो आपने देखा कि ट्रायंगल्स, इन्वर्टेड ट्रायंगल्स और ट्रायंगल, इन दोनों की वजह से हमने एक बॉडी बनाया पूरा। फिर ये सर्कल से हमने फेस को बनाने की कोशिश करी, फिर यहाँ पर पैर दिखा। तो हमने देखा कि यहाँ पर सर्कल और जो ट्रायंगल है इस पेंटिंग में वो काफी ज्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है ना। और इसमें हम देखते हैं कि पीपल और एनिमल दोनों को यहाँ पर पेंट करने की कोशिश की गई है। सो इट इज अ वंडरफुल पेंटिंग, ठीक है ना। यस एग्जैक्टली द सबर्ब्स ऑफ जो है सो क्या कहते हैं, मुंबई, ठीक है विजय, दैट इज ग्रेट वन, ठीक है। सो ये हो गया वर्ली पेंटिंग के बारे में। और इस इमेज को भी देखेंगे आपकी जो भी यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है, आप इवन देखेंगे कि एनिमल्स भी है, ये एनिमल भी है, ये एक तरीके का ये एनिमल है, ये चार फोर लेग्स हैं, दिस इज ऑल्सो थ्रू द जो है सो ट्रायंगल के थ्रू, ये एक ह्यूमन बींग है जिसको भी ट्रायंगल के थ्रू, जो इनके सर के ऊपर है जो सर बनाया दैट इज थ्रू अ सर्कल। यहाँ भी आप देखेंगे दिस इज थ्रू अ सर्कल, ये जो पार्ट बनाया दैट इज ऑल्सो थ्रू अ सर्कल, ठीक है, इतनी बातें समझ पा रहे। सो प्राइमरली जो वर्ली पेंटिंग्स है इसमें हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल और सर्कल का प्रयोग किया गया है, जम करके प्रयोग मिलता है, हमें देखने को मिलता है, राइट। अब देखिए इवन आप ये देखिए यहाँ पर हर एक एस्पेक्ट को देखने की कोशिश कीजिए, ये एक प्लांट है, प्लांट में भी देखिए जो कि फ्लावर्स या फिर जो आपको ये दिख रहा होगा दिस इज ऑल्सो थ्रू अ ट्रायंगल, ये भी आपको एक ट्रायंगल के शेप में आपको यहाँ पर दिखाई देखने को मिलेगा, ठीक है। इवन जिसके लीव्स वगैरह है यहाँ पर आप देखेंगे सर्कल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, दीज आर द सर्कल्स,
यू कैन फाइंड इट, ठीक है ना, ये क्या है, ये सर्कल्स हैं जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर पेंट करने की कोशिश की गई, राइट। सो दिस कॉल योर वर्ली पेंटिंग, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कलम जुथू जो है ये पेंटिंग, ये हमारे पास जो है ये बेसिकली ये केरला में पार्ट, यानी कि डीप साउथ में अगर हम लोग बात करें तो ये पेंटिंग हमें देखने को मिलता है ये, ठीक है, ठीक है। दिस पार्ट इज ऑफ कलमा जुटू, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि ये पाउडर ड्राइंग है, ठीक है ना। इसमें जो हम लोग कलर का यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग कई बार अपने जो इस रीजन में नॉर्थ इंडिया में लोग होते हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर देखें, आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आप देखेंगे इवन असम में भी कई पार्ट्स में देखेंगे, ईस्टर्न यूपी में आप देखेंगे, तो अब देखिएगा रंगोली बनाते हैं, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ रंगोली, ठीक है ना। रंगोली में कई बार क्या होता है कि आज पहले हम लोग तो रंगोली के अंदर नेचुरल कलर्स का यूज करते थे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि अब तो पाउडर, अब तो मार्केट में, अब दिल्ली वगैरह में भी अगर आप आएंगे तो दिवाली वाली पे आप जो अपना रंगोली बनाते हैं तो उसके लिए कई तरीके के पाउडर्स मिलते हैं, ठीक है ना, पाउडर। तो ये जो पेंटिंग है कलमा जुटू, इसमें आप डिफरेंट कलर्स के पाउडर को लेकर के एक ड्रॉ बनाते हैं, स्केच किया आपने, और उसके ऊपर में उसको आप क्या कहते हैं, उसके अंदर फिल करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। और ये जो पाउडर होता है वो नेचुरल डाइज होते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली इट इज अ पाउडर ड्रॉइंग, पाउडर ड्रॉइंग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। सो दिस कॉल्ड कलमा जुटू, सो इट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे इसमें भी डिफरेंट थीम्स होते हैं आपके पास, ठीक है, जिसको यहां पर मैं पेंट करने की कोशिश की जाती है नेचुरल डाइज के थ्रू, ठीक है। अब आइए एक अगला पेंटिंग भी हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड फैटकार। फैटकार क्या है कि बेसिकली क्या है, ये अपना जो रीजन है फेस को भी हम लोग देख लेते हैं, दिस इज द रीजन, ठीक है। ये जो हमारे पास है ये हम देखते हैं, ये हमारा जो है दिस कॉल्ड झारखंड, ये जो रीजन हमारे पास है झारखंड, झारखंड, ठीक है, दिस कॉल्ड झारखंड, ये झारखंड का रीजन है जहां पर ये पेंटिंग देखने होता है। और ये स्क्रॉल पेंटिंग होता है, स्क्रॉल पेंटिंग ना ये दोनों ही लैंडस्केप और वर्टिकल दोनों में आपको देगा, हॉरिजॉन्टल दोनों में दिखाई देगा, यानी कि पेंटिंग जो है ये लंबा, यानी कि जिसमें आप देखेंगे कि आई एम सॉरी, जो लेंथ और ब्रेथ होता है ना इन दोनों का रेशियो अलग होता है, ठीक है ना। तो स्क्रॉल पेंटिंग में तो आप ये देखिए यहां पर भी एक स्क्रॉल पेंटिंग है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो कि इस शेप में आपके पास है, इन दिस फॉर्मेट, ठीक है ना, जहां पर यहां पर इसका देखेंगे बॉर्डर बनाई गई इनके मार्जिन के ऊपर में, एंड देन यहां पर में थीम को जो है प्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना, यहां पर थीम लाया गया है, यहां पर थीम, दिस इज कॉल्ड स्क्रॉल पेंटिंग, ठीक है ना। जनरली दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्क्रॉल पेंटिंग, ये हम देख पा रहे हैं, ये स्क्रॉल पेंटिंग एग्जांपल्स है, ठीक है, ये जो कि झारखंड में मिलता है, पैटकार झारखंड, और इट इज एग्जांपल ऑफ स्क्रॉल पेंटिंग्स, ठीक है। और स्क्रॉल पेंटिंग्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अगेन ये क्या होगा, हमारे पास मिनिएचर पेंटिंग हुआ करेगा, मिनिएचर पेंटिंग होगा, मिनिएचर पेंटिंग होगा, ठीक है। इतनी बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं। सो स्क्रॉल पेंटिंग है, हम इसके ऊपर में स्क्रॉल के थ्रू हम लोग पेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, राइट। तो इसको स्क्रॉल पेंटिंग्स, राइट। आप आज एक पेंटिंग हमारे पास है जिसको बोलते हैं थांग का, ठीक है ना, थांग का, ये दरअसल हिमालयन बेल्ट में आपको देखने को मिलेगा, हिमालयन बेल्ट के अंदर, ठीक है। आप लद्दाख में शुरू करें, हिमाचल प्रदेश, तिब्बत, तिब्बत एंड सिक्किम, ये इन रीजन में आपको ये पूरा का पूरा अगर हम लोग बात करें कि दिस इज द रीजन, तो ये जो रीजन हमारा है ये नॉर्दर्न बेल्ट है, जो हमारे पास हिमालय का जो रीजन है, इस रीजन में हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड जो हमारे पास पेंटिंग मिलता है। यहीं पर हमारे पास सिक्किम भी होता है, यहाँ पे सिक्किम आप ये जानते होंगे, ये चिकन नेक के ऊपर ही यहाँ पर मैं आप देखेंगे दार्जिलिंग, यहाँ पर सिक्किम का पार्ट होता है, यहाँ से फिर भूटान हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको देखने को मिलता है। तो ये जो बेल्ट है ना, ये दिस बेल्ट इज ऑफ योर किसका, थांग का पेंटिंग, जिसमें हमारे पास लद्दाख भी आता है, फिर हमारे पास हिमाचल भी आता है, हिमाचल प्रदेश भी आता है, फिर यहाँ पर तिब्बत भी आता है, हमारे पास तिब्बत भी आता है, और यहीं पर हमारे पास सिक्किम का भी रीजन आता है, सिक्किम का भी क्षेत्र हमारे पास आता है सिक्किम। तो ये पेंटिंग है ये आपके पास कैसा है, थांग का, वो हिमालयन रीजन में ये पेंटिंग किया जाता है, ठीक है, लद्दाख को लेकर। जाहिर सी बात है ये जो रीजन है वहां डोमिनेटिंग रीजन हमारे पास होता है, दैट इज ऑफ व्हाट आई कैन से,
चलिए अच्छा, ये थॉन्का के साथ मैं इसे अभी यहाँ पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टेक्निकल इशू आ सकता है, आ रहा है यहाँ पर मैं। सो थॉन्का पेंटिंग करते हैं, इसके बाद फिर मैं इसके बारे में आपसे भी इसकी क्लास को मैं हो सकता है तो मैं अभी मास्टर क्लास पर थोड़े से ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? मास्टर क्लास पे आप लोग आ जाइए, मैं मास्टर क्लास पे इसको करने की कोशिश करता हूँ। इफ़ इट गोज़ वेल तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे ये हो सकता है। ओके ठीक है, चलिए आ जाइए, इसको हम लोग कर लेते हैं। चलिए आ जाइए, हम लोग बात करें थांका के बारे में। तो थांका जो है हमारे पास है, दैट इज लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, तिब्बत एंड सिक्किम, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और इसमें जो थीम हमारे पास है, नहीं कंटिन्यू कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो दिस कॉल्ड बुद्धा, बुद्धा के लाइफ को यहाँ पर हम लोग पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस पेंटिंग के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हमें वेरियस इन्फ्लुएंसेस लामास के बारे में या बुद्धिस्ट डिटीज या बोधि सत्वा के को यहाँ पर पेंट करने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। वेरियस इन्फ्लुएंसेस लामास हमारे पास, अदर डिटीज हैं एंड बोधि सत्वास को यहाँ पर पेंट करने की कोशिश की गई है, ठीक है गाइस, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड थांका पेंटिंग, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डिफरेंट यहाँ पर बोधि सत्वास को पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, दैट इज नॉट वेरी मच प्रोमिनेंट, बट यहाँ जो इमेजेस आप देख पा रहे हो ये सब बोधि सत्वास हैं जो आपको दिखाई यहाँ पर दे रहा होगा, ठीक है ना। सो दीज आर द पेंटिंग्स। सो मेजर जो थीम है थांका का, दैट इज ऑफ लामास डिटी अनदर डिटीज एंड बुद्धिस बोधिसत्वास, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं अजराक के बारे में, अजराक, ठीक है ना। ये जो अजरक है ये बेसिकली ब्लॉक पेंटिंग होती है, आज भी आप देखेंगे कहीं भी ब्लॉक के थ्रू, यानी कि आप प्रिंट प्रिंट जो करते हैं, ब्लॉकिंग करने का काम करते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक पेंटिंग, राइट ना। तो ये हमारे पास है ब्लॉक प्रिंटिंग, है हमारे पास टेक्निक, है ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक है हमारे पास, जो कपड़े के ऊपर इन जनरल किया जाता है, ये याद रखिएगा, अजरक पेंटिंग। अभी इसको लेकर के साड़ी वगैरह भी आप देखेंगे कि जिन लोगों को थोड़ा सा घर में, जिनको साड़ियों का शौक होगा तो इनको भी देखेंगे, वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ आपको दिखाई, सो दिस कॉल्ड टेक्सटाइल, इस टेक्सटाइल के ऊपर में ब्लॉक प्रिंटिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक है, यानी कि किसी चीज को हम लोग ब्लॉक से हम लोग पेंटिंग करना शुरू करते हैं, मतलब एक तरीके से एम्बॉस करते हैं, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड दिस। सो अजरक पेंटिंग, दैट इज ऑफ गुजरात, ठीक है। और गुजरात का जो लोकेशन है ये आप लोग जानते ही होंगे, ये मैं जोग्राफिकली भी आपके साथ यहाँ रख लूँ। सो दिस इज द रीजन ऑफ गुजरात, ठीक है, ये इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, दिस इज द रीजन ऑफ गुजरात। तो ये जो अजरक पेंटिंग का है, दिस इज द रीजन जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। चलिए अजरक हो गया। अब आइए करिककेयूर है, ये बेसिकली तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, यहां पर मैं ये पेंटिंग आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, इस तमिलनाडु के क्षेत्र में आपको पेंटिंग का ये स्टाइल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो रीजन है तमिलनाडु का, दिस इज द रीजन ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, इस रीजन में आपको ये पेंटिंग देखने को मिलता है, ठीक है ना। और ये जो पेंटिंग है ये रॉक पेंटिंग्स है, रॉक पेंटिंग्स है, इसका मतलब अगर हम बात करें, अगर ये रॉक पेंटिंग्स हैं तो ये मुराल पेंटिंग्स की कैटेगरी में आएंगे, दे आर कॉल्ड मुराल पेंटिंग्स, ठीक है ना। इसमें हम देखेंगे क्या है कि इसमें आप देखिएगा कि एक ट्रांजिशन को दिखाया गया, यानी कि ह्यूमन लाइफ के ट्रांजिशन को दिखाया गया, जब आप देखेंगे कि मनुष्य जो हंटर गैदरर, यानी कि जो पैलियोलिथिक एज में प्राइमरली मनुष्य हुआ करता था, हंटर गैदरर हुआ करता था, यानी कि आप देखें शिकारी और खाद्य संग्राहक होता था, वो धीरे धीरे क्या कह पास्टरल इकोनॉमी की तरफ मूव करना शुरू कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि आप थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे कि एनिमल्स वगैरह के साथ रहना शुरू कर रहा है। तो आप यहाँ देखें कई चीजों को यहाँ पर मैं आपको दिखाया जाएगा कि आदमी के आसपास को जानवर हो, जैसे यहाँ पे कि एंटीलॉप दिख रहा होगा, यहाँ पर देखें कुछ शिकार वगैरह को भी दिखाई करता हुआ दिखाया गया होगा, ये कुछ इमेजेस हैं, ठीक है ना। तो आप देखें यहाँ पर मैं एक ग्रेजुअल शिफ्ट दिखाई दे रहा है इस पेंटिंग के थ्रू, कि हंटर गैदरर से लेकर के आप देखेंगे तो आप इनिशियल ड्रॉइंग्स टू अ पास्टोरल लाइफ को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है, एंड दैट इज इन तमिलनाडु, ठीक है ना। रॉक पेंटिंग्स होती हैं, रॉक पेंटिंग्स हुआ हमारे पास, इमेज को डिपेक्ट किया गया ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम हंटर गैदरर लाइफ स्टाइल इन द इनिशियल ड्रॉइंग्स टू अ पास्टोरल लाइफ, ठीक है। इतनी बातें सब लोग समझ गए, दैट्स ग्रेट। देन नेक्स्ट आइए मंजूसा पेंटिंग। मंजूसा का मतलब क्या होता है, ये जो मंजूसा है, मंजूस, ये टर्म बेसिकली मंजूस का मतलब होता है, ये होता है आपके पास बॉक्स, ठीक है ना। ये
ये एक बॉक्स होता है मंजू साहब, आप देखेंगे ये खास करके बिहार में प्रचलित है, और बिहार में भी ये भागलपुर का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी आपको प्रेडोमिनेंटली देखने को मिलता है, भागलपुर में, बिहार भागलपुर रीजन में देखने को मिलता है। और ये जो मंजूसा का मतलब होता है, मंजूसा का मतलब होता है बॉक्स, और ये जो होता है जनरली आप देखेंगे टेम्पल शेप में होता है। आपने देखा होगा कि जो कभी भी शादी विवाह या कुछ भी होता है या गिफ्ट वगैरह दिया जाता है पुराने जमाने में, तो एक बॉक्स होता था। इस बॉक्स के ऊपर में आप देखेंगे कि क्या होता था कि एक तरीके से ये सर्कल जैसा, और फिर इसके ऊपर में एक कॉनिकल शेप का आप ये देखेंगे कि इस तरीके से चीजों को यहाँ दिखाया जाता था, दर्शाया जाता था, राइट। आप देखेंगे सो दिस इज व्हाट ये एक आप देखेंगे टेम्पल शेप जो समथिंग लाइक शिखर टाइप का अपीयरेंस देता था, यानी कि एक टेम्पल बॉक्स को यहाँ बनाने की कोशिश की, दिस कॉल्ड टेम्पल बॉक्स, ठीक है। तो मंजूस जो है ना ये टेम्पल शेप बॉक्स हुआ करते थे, और इन्हीं के ऊपर में चारों तरफ से ये पेंटिंग की जाती थी, दैट इज कॉल्ड मंजूसा पेंटिंग। और ये जिस रीजन में हुआ, दिस रीजन इज ऑफ योर बिहार, ठीक है ना, जो अपन बिहार है, ये अपना बिहार जिसको हम लोग बोलते हैं, इस रीजन में ये पेंटिंग आपको देखने को, सो दिस इज द रीजन ऑफ योर बिहार, बिहार का ये क्षेत्र है लगभग यहाँ पे। और बिहार में भी अगर हम लोग बात करें तो ये सदर्न बिहार में यानी कि भागलपुर का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, इस रीजन में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। माइट भी ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, सो ये चीज आपको चल रहा है। और मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? मेरी आवाज क्लियर है? एक बार मुझे प्लीज कंफर्म करें, मेरी आवाज में कोई वॉइस में कोई इशू आ रहा है क्या? मैं एक बार थोड़ा मैसेज देख लूं आप लोगों का, मैं देख नहीं पा रहा था क्योंकि जब मैं लैब में होता हूं तो फिर मूव करता चला जा रहा हूं आगे। एक बार मुझे प्लीज बताइए, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है? एक बार स्पष्ट मुझे थोड़ा बताएं कि तकनीकी रूप से मेरी आवाज स्पष्ट तो आ रही है ना? ठीक है, चलिए ठीक है फिर। थैंक यू, क्योंकि मुझे एक मैसेज दिखा जिसमें लगा कि वॉइस सर की कट रही है क्या, तो प्लीज एक बार आप लोग बता दिया करें ताकि मेरा फिर ध्यान उधर जाता है तो फिर मुझे लगता है कि हाँ मतलब ठीक से चीजें हो रही है नहीं हो रही। तो आपने देखा कि ये जो है मंजूसा पेंटिंग है जिसमें हम देखेंगे क्या कि यहाँ पर डिफरेंट थीम्स को यहाँ पर किया गया, यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। ठीक है, समझ पा रहे हैं सर? ठीक है, और इसके ऊपर डिफरेंट थीम्स को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है। जैसे यहाँ देखेंगे सिबलिंग है उनको यहाँ दर्शाया गया है, ठीक है ना, इनके ऊपर जो सर्प है वो आपको दिखाया गया है, भगवान शिव के त्रिशूल है, और यहाँ पर डिफरेंट जो लोकल इम्पैक्ट है इमेजेस का वो आपको देखने को मिला है। सो दिस इज कॉल्ड मंजूसा पेंटिंग्स, ठीक है ना, ये मंजूसा पेंटिंग का ये स्टाइल है, ठीक है, टेबल शेप बॉक्स होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करें पिथौरा पेंटिंग्स के बारे में। पिथौरा पेंटिंग्स का जो स्टाइल है हमारे पास, ये अगर हम लोग बात करें फिर जोग्राफिकली आप लोग भी ऐसे देखिए, बताने का मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि आप भी जब भी इसको करें तो आप एक चीज ध्यान रखा करें कि आप भी अपने आप को ऐसे ही प्रिपेयर कर लिया करें। ठीक है, तो आप ये देखेंगे ये गुजरात और मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यानी कि ये जो रीजन है आपका, ये पूरा का पूरा जो रीजन है गुजरात का, और ये सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश का जो रीजन है, ये पिथौरा पेंटिंग के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। और दरअसल ये भी मुराल पेंटिंग्स है, मुराल पेंटिंग्स की कैटेगरी में है, ठीक है ना। अब ये जो है मुराल पेंटिंग्स है जिसपे वॉल के ऊपर में आपको पेंट करने की कोशिश की जाती है, वॉल पेंटिंग्स के ऊपर में, और इसमें जनरली सेवन हॉर्सेस को आप देखेंगे जनरली यहाँ पर में जो है सो डिजाइन करने की कोशिश किया जाता है बाय सेवन हॉर्सेस, ठीक है ना। ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट आई से इज कॉल्ड पिथौरा पेंटिंग, जो गुजरात और मध्य प्रदेश का क्षेत्र वहां आपको देखने को मिलता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं ये कलमकारी। ये कलमकारी साउथ इंडिया में बड़ा फेमस है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का क्षेत्र होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें फिर से, ये अगर हम लोग देखें यहां पे, तो ये जो रीजन है हमारे पास है, तो ये जो आपके पास आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो क्षेत्र है, ये दिस रीजन उड़ीसा के जस्ट साउथ में, तो इस रीजन में आपको जो है सो आपको क्या देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड कलमकारी, ठीक है ना। ये भी एक तरह का ब्लॉक प्रिंटिंग है, आप देखेंगे ब्लॉक की ब्लॉक करके यहाँ ब्लॉक प्रिंटिंग को यहाँ पर करने की कोशिश की जाती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लॉक पेंटिंग, ठीक है। ये जो रीजन है दिस इज ऑल्सो ब्लॉक पेंटिंग, तो ये आंध्र प्रदेश का है और तेलंगाना का है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो है ब्लॉक प्रिंटिंग का एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और इस पेंटिंग में इसके दो टाइप हैं, अगर इसकी बात करेंगे तो दो सब क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा,
एक है श्री कालहस्ती, श्री कालहस्ती एक तरीका है हमारे पास श्री कालहस्ती का, विच इज द फ्री हैंड ड्रॉइंग, ठीक है ना। और दूसरा होता है मछली पत्ता, ठीक है ना, जिसमें ब्लॉक प्रिंटिंग लोग करते हैं, ठीक है। ये दो हो गया, एक तो हो गया ब्लॉक प्रिंटिंग वाला, दैट्स कॉल्ड मछली पत्तनम, और जो श्री कालहस्ती है जो आपका सेंटर है उसमें फ्री हैंड ड्रॉइंग के साथ हम लोग क्या करते हैं इसको पेंट करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही तरीके हो गया, ब्लॉक पेंटिंग प्रिंटिंग भी हो गया और हमारे पास फ्री हैंड ड्रॉइंग भी हो गया। फ्री हैंड ड्रॉइंग के लिए जो हमारे पास सेंटर दैट इज कॉल्ड श्री कालहस्ती, और मछलीपट्टनम के लिए हम देखते हैं कि ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए बाघ पेंटिंग के बारे में, बाघ पेंटिंग, ठीक है ना। सो बाघ पेंटिंग जो है हमारा ये मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश यानी कि जो सेंट्रल इंडिया में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये जो हमारे पास है ये दिस इज कॉल्ड सेंट्रल इंडिया, ये आपके पास जो हार्ट ऑफ इंडिया है आप जानते हैं, ये अपना मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है यहाँ पर ये पेंटिंग होता है, एंड दैट इज ऑल्सो मुराल पेंटिंग, और ये भी जो है ये हमारे पास मध्य प्रदेश में हो गया, हार्ट ऑफ इंडिया यहीं पर हम इसको बोलते हैं बाघ में है, और बाघ में ये भी क्या एग्जाम्पल किसका है, दैट इज ऑफ मुराल पेंटिंग का है, ठीक है ना। ये वॉल को यहाँ पर पेंट किया गया है, ठीक है ना, वॉल्स को किया गया है, प्लस यहाँ पर आप देखेंगे छत को भी किया गया, वॉल्स और सीलिंग्स दोनों को किया गया है, वॉल्स एंड सीलिंग्स दोनों को यहाँ पर पेंट करने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। वे पेंटेड विद कवर्ड विद अ थिक मड प्लास्टर इन ब्राउनिश ऑरेंज कलर, तो आप देखेंगे जो कलर का टेक्सचर है यहाँ देखिए ब्राउनिश कलर तो आपको दिख ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ देखेंगे जो ऑरेंज कलर भी है वो भी आपको देखने को मिल रहा है, ब्राउनिश एंड ऑरेंज कलर यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, ब्राउनिश ऑरेंज कलर, राइट। सो वॉल्स एंड सीलिंग्स वेयर टू बी पेंटेड वेयर कवर्ड विद अ थिक मड प्लास्टर इन ब्राउनिश ऑरेंज कलर, राइट। So known for mural painting, Madhya Pradesh. These are the features of this. Reason हमारे पास हो गया, ठीक है। अब भाई हम लोग बात करते हैं आगे, चलते हैं तंजौर या तंजावुर पेंटिंग्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, तंजौर या तंजावुर पेंटिंग, ठीक है ना। अब ये जो है ये जो पेंटिंग है दैट इज इन द तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में, ठीक है, और इसको लोकली हम बोलते हैं पलागई पदम, ठीक है, दिस इज द रीजन। आप ये देखें ये जो रीजन हमारे पास है ये जो रीजन है हमारे पास दिस इज कॉल्ड तमिलनाडु का जो रीजन है हमारे पास, इस रीजन में तमिलनाडु में इसको बोलते हैं पलागई पदम, पलागई पदम, ठीक है ना। और ये किया जाता है कि बेसिकली एक सॉलिड वुड प्लैंक्स पे किया जाता है, यानी कि लकड़ी के तख्ते पे आप देखेंगे इसको जनरली किया जाता है। अब यहाँ देखिए ये पेंटिंग भी अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा तो ये वुडन प्लैंक है जिसको यहाँ पर मैं इनग्रेविंग करके इसे ब्यूटीफुल जो ऐसे बाउंड्री यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की। दरअसल ये क्या है, एक जो है आपके पास वुडन प्लैंक है, ठीक है ना, दिस इज अ वुडन प्लैंक, ठीक है ना, और इसी के ऊपर में हमने यहाँ बाउंड्री बनाई और इसकी इनग्रेविंग्स कर ली है, ठीक है ना, इसको इनग्रेव किया हुआ है। ये जो आपको डिफरेंट लेयर्स दिख रहे हैं बेसिकली क्या है, दीज आर व्हाट आई कैन से, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये क्या है यहाँ पे, ये जो है हमारे पास ये आपकी एक बाउंड्री नक्काशी की, और यहां पर मैं आपको पेंटिंग करने की पेंटिंग करके बताया गया है, ठीक है ना। सो यहाँ जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर बेसिकली कैरेक्टर है इज ऑलवेज इन द मिडिल ऑफ द पेंटिंग, और जो मेन थीम है दैट इज इन सेंटर, ठीक है ना, यानी जो मेन थीम है दैट इज पेंटेड हियर ओवर। सो तंजौर या तंजावुर इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड, इसको लोकली हम अगर बात करें तो इसको पलगई पदम बोलते हैं, और ये सॉलिड वुड प्लैंक्स पे किया जाता है, और इसमें जो सेंटर में ही हमेशा हम देखेंगे पेंटिंग किया जाता है, और आप देखिए बाउंड्रीज के ऊपर में जो ये वुडन प्लैंक है इसको आपने फ्री इन जनरल छोड़ा हुआ है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ दैट, ठीक है, इज इट क्लियर, मेरी बात समझ रहे हैं सभी लोग। आप ये देखेंगे तो ये आपको बाउंड्री जो है दैट इज फ्री आपको दिख रहा होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट है फाड, ये जो है बेसिकली फाड जो शब्द है ना ये एक कपड़ा होता है, टुकड़ा होता है, ठीक है ना, पाबूजी की फाड, इसे राजस्थान वगैरह में आपने सुना होगा इस तरीके से, तो फाड पेंटिंग बेसिकली राजस्थान में है, और ये जो फाड पेंटिंग है ना ये भी एक स्क्रॉल पेंटिंग होता है, इधर इन दिस स्टाइल और यू कैन से इन दिस स्टाइल, ठीक है ना, ये पेंटिंग की ये स्टाइल, ये स्क्रॉल पेंटिंग का एग्जांपल होता है, पार्ट बेसिकली कपड़ा हो गया, ठीक है ना, और ये जो है सो स्क्रॉल पेंटिंग का एग्जांपल है, स्क्रॉल अगर पेंटिंग है इसका मतलब ये मिनिएचर पेंटिंग का एग्जांपल है, ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग इसके अंदर होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है जो टाइप ऑफ स्क्रॉल पेंटिंग हो गया, और इसमें क्या होता है रिलीजियस स्टोरीज होती है, लोकल डिटीज जो गॉड्स होते हैं, हर एक जगह आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में भी कहीं भी आप देखेंगे कि हर एक गांव के अपने जैसे कि एक स्टोरी होती है, लोकल डिटीज होते हैं, इवन जैसे आपने सुना ग्राम देवता, गांव के देवता सुना होगा आपने, कुल देवता, तो ये लोकल डिटीज हैं, ठीक है ना, गॉड्स हैं, तो उनकी कहानियों को यहाँ पर पोर्ट्रे करने की कोशिश की, जैसे कि पाबूजी की फाट, ठीक है ना। सो बेसिकली एक लोकल डिटी है जिनकी स्टोरी को यहाँ पर इस पेंटिंग के माध्यम से हम यहाँ पर दर्शाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना।
तो दिस अ टाइप ऑफ स्टॉल पेंटिंग दैट नरेट्स एलैबोरेट रिलीजियस स्टोरीज ऑफ लोकल डिटीज एंड गॉड्स. ठीक है, ये राजस्थान हमारे पास हो गया, राइट. सो ये स्क्रॉल पेंटिंग का ये एग्जाम्पल है. स्क्रॉल अगर पेंटिंग है दैट इज कॉल्ड अ मिनिएचर पेंटिंग. ठीक है ना, इसको आप बोलेंगे क्या है, ये मिनिएचर पेंटिंग का एग्जाम्पल हमारे पास होता है. ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग का एग्जाम्पल, राइट. चलिए, सो दिस कॉल्ड फार्ड पेंटिंग. ठीक है, इतनी बातें सब लोग समझ पा रहे हैं, ये इतनी बातें समझ में आ रहा है. ओके, नाउ अब ये जो पेंटिंग्स होती है ना, इसमें आपके रिंकल्स नहीं होते हैं कभी भी. ये जो आप देखेंगे ना, इसमें रिंकल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये जो पेंटिंग्स है इसमें ये. अच्छा, दूसरा क्या है ना कि ये जो पेंटिंग्स होती है ना, इसको हम लोग अनफोल्ड करते हैं, यानी कि खोलते हैं जनरली शाम में, यानी कि सूर्य डूबने के बाद. ठीक है, सूर्य के डूबने के बाद. ठीक है ना, और इसमें इस पेंटिंग को लेकर के जो कभी हमें कुछ आपने देखा होगा कि हर एक थीम के साथ साथ गाँव गाँव में कुछ पेंटिंग के साथ साथ या फिर मतलब कुछ थीम्स के साथ हम लोग डायनामिक आर्ट परफॉर्मेंस वगैरह भी करते रहते हैं. तो इसमें क्या होता है कि गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और देर रात तक हम देखेंगे कि इसमें हम जो है सो इसमें हमारी जो है सो जो परफॉर्मेंस वगैरह है, डिफरेंट परफॉर्मेंसेज वगैरह एक्ट वैक्ट होता है थ्रू दिस पेंटिंग्स, वो हम लोग परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो पेंटिंग वुड बी अनफोल्ड आफ्टर सनसेट. ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो हम करेंगे, और इसके साथ जो एसोसिएटेड परफॉर्मेंसेज होता है दैट गोज ऑन इन द नाइट. ठीक है ना, ठीक है ना, ये क्या होता है, परफॉर्मेंस होता है, वो हम देखेंगे गांव में. और ये जो विलेज कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं इन फ्रंट ऑफ विलेज मेंबर्स, ठीक है ना, एंड दिस इज परहैप्स व्हाई द पेंटिंग्स आर कॉल्ड फार्ट, व्हिच इज जो है रिंकल फ्री आपके पास क्लॉथ्स होते हैं. ठीक है, चलिए अब भाई हम लोग बात करें बासोहली पेंटिंग्स. ठीक है ना, ये बासोहली जो पेंटिंग्स हमारे पास है, बासोहली पेंटिंग्स, ये जम्मू एंड कश्मीर की पेंटिंग है, जम्मू एंड कश्मीर की पेंटिंग है. यानी कि ये जो पेंटिंग हमारा है, ये हमारे पास अगर हम लोग बात करें, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में ये पेंटिंग हमारे पास होती है. ठीक है ना, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस. ठीक है, यहाँ मैं बात कर लद्दाख को छोड़ देना थोड़ा सा, तो ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है जहाँ पर ये पेंटिंग होता है, बासोहली पेंटिंग. एंड इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जो कि आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है. दिस इज अ पंच जो है एग्जाम्पल एज मिनिएचर पेंटिंग. और इसको शुरुआत में जो बासोहली जो पेंटिंग है, इसको हम लोग पहाड़ी शैली का एक स्कूल मानते थे, एज अ फुल स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग्स. ठीक है ना, के रूप में इसको एस्टैब्लिश हम लोग करते थे. ठीक है ना, ठीक है गाइस, और ये मिनिएचर पेंटिंग का एग्जाम्पल हो गया फॉर इट्स विविड एवोकेटिव कलर्स. ठीक है, बोल्ड लाइन्स एंड डीप सेट फेशियल एक्सप्रेशंस पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे. यहाँ देखिए एक समुद्र मंथन का एक दृश्य दर्शाया गया. समुद्र मंथन आप जानते हैं ना कि एक तरफ देव हो गए सारे के सारे, एक तरफ असुर हो गए. ठीक है ना, और ये जो है ये हमारे पास जो सर्प है उसी से हम क्या कर रहे हैं कि जो है सो समुद्र का मंथन करना कर रहे हैं, और इसी से अमृत उमृत सारी चीजें निकलती हैं, इसको यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है. ठीक है, सो दिस कॉल्ड बासोहली पेंटिंग, राइट. सो इतने ये जो पेंटिंग्स हैं, ये सारे के सारे पेंटिंग्स हमारे अभी काफी इंपॉर्टेंट रहा. इसको पहले हम लोग पहाड़ी पेंटिंग्स के शैली के रूप में भी हम लोग देखते रहे. ठीक है, ठीक है, इतनी बातें सभी लोग समझ गए. आज थोड़ा सा हमारे पास थोड़ा सा हम देखेंगे कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वगैरह भी थोड़ा हो रहा है. ठीक है, पता नहीं, लेकिन सारी चीजें ठीक लग रही है ना, समझ में आ रही है चीजें, एवरीथिंग इज गोइंग गुड. ठीक है, अच्छा, आज से आज ये जिन लोगों का क्लास छूटा है ना, अभी इस क्लास को अभी हम लोग एक काम करते हैं कि इसको अभी हम लोग मास्टर्स क्लास में भी लेकर के आ रहे हैं. ठीक है, एंड तो वहां आप लोग इसको अटेंड कर लीजिए, आई होप कि वहां दिक्कत नहीं आएगी. एंड दूसरा हमारे पास क्या होगा कि अभी हम लोग फिर एक एमसीक्यू का सेशन में लेके आ रहा हूँ, जो कि जो कंटेम्प्रेरी इशूज के जैसे कि आपके जो भी जो एमसीक्यू हैं, जो करेंट में जो भी आपके टॉपिक्स रहे, उन सभी का लेके एमसीक्यू करेंगे. एंड पॉलिटी दिस वीक आप लोगों ने देखा है या नहीं, पॉलिटी दिस वीक आप लोगों ने देखा है नहीं, तो पॉलिटी दिस वीक का भी एमसीक्यू मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को करवा दूँ. ठीक है ना, वो दोनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ठीक है गाइस, सभी लोग समझ पा रहे हैं, तो ये हम लोग करेंगे. और ये जो सेशन है, ये एक सीरीज है, मैं आपको बता दूं कि आर्ट एंड कल्चर का ये सीरीज मैंने अभी शुरू किया है. आर्ट एंड कल्चर का ये सीरीज है, ये सीरीज है आपके पास, दिस कॉल्ड सीरीज. ठीक है, ये सीरीज है जो कि आपका करंट अफेयर्स बेस्ड है, जिसमें मैंने लास्ट टू ईयर्स के जितने भी आपके करंट अफेयर्स है उसको कवर करने की, लास्ट टू ईयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स होंगे उन सभी को अभी हम लोगों ने कवर करने की कोशिश करी है. दूसरा अपना एक सेशन चल रहा है पॉलिटी का, अभी चल रहा है पॉलिटी के जो सेशंस हैं अपने पास वो चल रहे हैं, शाम के 7 बजे शुरू होता है. ठीक है ना, शाम के 7 से 8 बजे तक होता है. ठीक है, ये सेशन अभी आपका 10:30 से 11:30 चलेगा, और इसको मैं एक सीरीज में कवर करते हुए जैसे मैं खत्म कर देता हूँ, उसके बाद मैं फिर हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को मैं आपके लिए पिक करूंगा, इसी वक्त करूंगा. ठीक है, समझ पा रहे हैं. एंड उसके अलावा एक मेरा पेड बैचेस भी चल रहा है, पेड बैच चल रहा है अभी पॉलिटी के, पूरा GS Paper 2 के लिए चल रहा है, जिसमें हमारा पॉलिटी, IR, गवर्नेंस एंड सोशल,
सोसाइटी और सोशल जस्टिस का पार्ट, सोशल जस्टिस का पार्ट चल रहा है उसको अभी हम लोग कवर करें। तो इतनी इंगेजमेंट अपनी अपनी सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे हो रही है, तो जो भी जहां से मुझसे लाभान्वित होना चाहते हैं आपका स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे पास, जुड़ने का तरीका आप लोगों को बेहतर पता है, ठीक है ना। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं ये? ओके, तो इतनी बातें समझ में आ गई। सेशन कैसा लगा, ये इनिशिएटिव कैसा लगा, इसे मुझे जरूर बताइए आप लोग, ठीक है। बाकी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे जुड़ जाइए, जितने भी लोग टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ, ठीक है। और ये सेशन ऐसा भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा और बेहतर कुछ और आपको कंटेंट दिया जा सके, और ये आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आपके लिए बहुत काम आने वाला है, ठीक है। सो गाइज, अभी मैं आप लोग बता दूँ कैसे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ये भी मैं बता दूँ। इस पेड बैच ये मेरा कोड है, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे तो आप जाइए, जैसे भी आप जैसे भी साइट के थ्रू जाना चाहते हैं या आपके थ्रू जाना चाहते हैं, इस कोड को अप्लाई करें, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जिसके सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, सब्जेक्ट कोर्सेस हैं, ऑप्शनल कोर्सेस हैं, सीसैट, एवरीथिंग प्री और मेंस दोनों के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे श्री राम आईएएस, उसके बाद आप देखेंगे जो है हमारे पास दीक्षांत आईएएस, इन सभी की क्लासेस वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगी। बाकी जितने भी टीचर्स हैं उन सभी का यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी लोग हैं, ठीक है, कई लोग हैं जो जिन्होंने हमको पढ़ाया भी है मेरे साथ, ठीक है, तो आप इनके साथ भी जुड़ सकते हैं। ये पवन कोड लगाकर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल सकता है। एंड ये आपके पास जो है सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो दिस इज द प्राइस दैट यू हैव टू पे। तो मैं कहूँगा अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, डोंट वेट फॉर एनीथिंग, ठीक है ना, किस चीज़ की प्रतीक्षा आपको नहीं करनी है, आप अपनी तैयारी के लिए बिल्कुल आराम से लग सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, इसके लिए मेरा कोई दबाव नहीं है, आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एंड ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आने वाले समय में इस पर कंटेंट वगैरह भी मैं आपको प्रोवाइड किया करूंगा, तो आप लोग फटाफट पर इस पर कनेक्ट हो जाइए, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कंटेंट्स वगैरह भी हम लोग प्रोवाइड मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है गाइस। एंड अब जो अभी हम लोग मिलेंगे, अभी 11:45 पे भी हम मिलने वाले हैं, 11:45 पे अपनी मास्टर क्लास होने वाली है। सो इस मास्टर क्लास में भी आप सभी लोग का स्वागत रहेगा 11:45, ठीक है, से 12:15 तक की क्लास होगी जिसमें आप हमारी मास्टर क्लास है, इस मास्टर्स क्लास में आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए, ठीक है गाइस। सो कैसा रहा सेशन जरूर मुझे एक बार बताते रहिएगा, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव एंड द ब्लेसिंग्स, ठीक है। शाम वाले टाइमिंग बता दिए, शाम वाला टाइमिंग जो है शाम में पॉलिटी की टाइमिंग है अपनी, वो मैं बता दे रहा हूँ। शाम में जो पॉलिटी का टाइमिंग दैट इज 7 PM, ठीक है, ये YT की सेशन है। और एक जो मेरे पुराने सेशन होंगे जिससे स्पेशल क्लास हुआ करते थे, तो उसके यहाँ पर मास्टर्स क्लास है हमारे पास। इस मास्टर क्लास को आप 6 से 6:30 तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये शाम में ये क्लासेस हैं। पेड वाले बैचेस जो हैं वो 3:30 से चल रहे हैं हमारे पास, 3:30 से हैं, ठीक है। इस बैचेस को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। Thank you everyone. Lots of love and the blessings. So, मिलते हैं next session. Till then, bye bye. Take care everyone. Bye. Take care everyone. तो सभी लोग जुड़ते जाइए, कनेक्ट होते जाइए, फिर हम लोग बात करते रहेंगे आगे।